उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एटा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने पहले ही बीजेपी के परंपरागत वोट माने जाने वाले साक्य समाज से अपना प्रत्याशी उतारकर उन्हें झटका दिया था। इसके बाद बीजेपी देवेंद्र यादव को यादव समाज के प्रभावशाली नेता के रूप में पार्टी में शामिल किया। देवेंद्र सिंह यादव ने गांव में प्रधान के चुनाव से अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने 1989 में कांग्रेस से पहली बार विधानसभा पहुंचे और उसके बाद समाजवादी पार्टी से विधायक बने। उन्होंने 1999 में पहली बार सांसद बने और फिर 2004 में दूसरी बार समाजवादी पार्टी से लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन 2009 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनके पुत्र राजवीर सिंह ने लोकसभा चुनाव में मात दी थी। रविवार को उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर बड़ा कदम उठाया है।